हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द एचपी टीटीडी कमीशन की वैकेंसीज आउट होने वाली है। ये वैकेंसीज अलग अलग स्ट्रीम में आएंगी, जैसे कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, शास्त्री और अन्य स्ट्रीम्स में इन वैकेंसीज को रिलीज किया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारी जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कमीशन जब आएगा तो उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कैंडिडेट्स उस एग्जाम को अच्छे लेवल पे तैयारी करके आपको इस जॉब को सिक्योर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के बारे में। ये जो नॉन मेडिकल की वैकेंसीज आने वाली है, ये अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर में वैकेंसीज आएंगी और सिविल स्टाफ जो है इसकी तैयारी करवाने के लिए एक बैच लेके आ रहा है, दैट इज बैच 9 फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। और ये बैच जो है ये 16 अगस्त 2023 से शुरू होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और सिविल स्टाफ जो अपना नया बैच लेके आ रहा है, दैट इज बैच नंबर 9, इसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बैच 9। अब देखिए, बैच 9 में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है नॉन मेडिकल के अंदर। तो देखिए, अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया हुआ है, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस इन नॉन मेडिकल किया हुआ है, उसके बाद आपने बीएड करी हुई है, बैचलर इन एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, चाहे वो एक साल का है चाहे दो साल का, आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा आपका एचपी टेट का जो एग्जामिनेशन है, ये आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहां पर हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टीचर बनने के लिए सक्षम है। उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष यहां पर दी गई है। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। बट आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष यानी कि एक फ्रेश ग्रेजुएट से लेकर एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड टीचर जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो भी यहां पर एलिजिबल है एचपी टीजीटी कमीशन के चलते हुए सरकारी अध्यापक बनने के लिए। उसके बाद यहां पर हम बातचीत करने वाले हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर एक एग्जाम होने वाला है और एक होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एग्जाम की बात करता हूं, तो पहले जब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन लेता था, उस वक्त एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता था जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाते थे। बट अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जब एग्जाम लेगा तो इसके अंदर दो एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें दोनों में 100-100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पे सवाल आपको पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर 1 होगा, पहला एग्जाम होगा, उसमें आपको एचपी जीके के 30 सवाल, नॉर्मल जीके के 30 सवाल, अंग्रेजी के 20 सवाल और हिंदी के 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, बट किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे ये नहीं बताया गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड पैडागोजी। तो ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ते हुए चलने हैं अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। बट कुछ दिन पहले एक सर्कुलर ये भी आया था, मतलब गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हो सकता है कि पुराने पैटर्न के हिसाब से ही एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए, तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है। बट क्या क्लियर है, क्लियर ये है कि सब्जेक्ट तो यही पूछे जाएंगे, चाहे पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, नया हो या पुराना हो, सब्जेक्ट यही आएंगे, सिलेबस यही पूछा जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जिस तरह के सवाल आए हैं उसी तरह से सिलेबस में सवाल आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इसकी तैयारी को ऑलरेडी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हो सकता है हमें ज्यादा टाइम ना मिले इसकी तैयारी करने का, और हम इंतजार के चक्कर में इंतजार करते करते हो सकता है इस जॉब को सिक्योर ना कर पाए। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, साइंस टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो एक बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी को शुरू करने का। तो अब बात करेंगे सिविल स्टाफ के नए कोर्स की, जो कि सिविल स्टाफ आपके लिए लेके आया है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, यानी कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली किसी भी वक्त इन क्लासेस को देख सकते हैं। बट एक वीकली लाइव सेशन इसके साथ कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि वीकली डाउट सेशन रहता है। डेली 5 क्लासेस आपको मिलने वाली है, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे, सबके सब सब्जेक्ट के स्टडी नोट्स आपको दिए जाएंगे,
प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि हर चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर पाओगे। वीडियो सॉल्यूशंस जो है इन प्रैक्टिस टेस्ट के आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन किया रहेगा, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। और एक लाइव डाउट सेशन जो है आपका रहता है सैटरडे या संडे को, जिसमें आप टीचर से इंटरेक्ट होते हो और अपने कोई भी सवाल को पूछ सकते हो। उसके बाद आगे बात करेंगे तो टाइम टेबल इस बैच का आपके सामने रखा गया है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एचपीजी के, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सीडीपी, हिंदी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर करवाया जा रहा है, कुछ भी स्किप नहीं किया जा रहा है। तो फिजिक्स के डेली आपको दो लेक्चर मिलेंगे, केमिस्ट्री का एक लेक्चर, मैथमेटिक्स का एक लेक्चर, एचपीजी के का एक लेक्चर। तो ये पांच लेक्चर आपको स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं। जैसे ही आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, आपके अगले सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। सब कुछ कवर किया जाएगा, बट एक टाइम टेबल के साथ, क्योंकि टाइम टेबल के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही आप तैयारी कर सकते हो। अगर सारा कुछ आपके सामने एक साथ आ जाए तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे पहले मैं क्या पढ़ूं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर के, वो आपको पहले पढ़ाए जा रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हुए आपको पहले, जिनका ज्यादा सिलेबस है वो पहले कवर करवाया जा रहा है। ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है जो कि आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर्स जो है डेली पांच लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी ये सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, सिविल स्टाफ हिमाचल। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एक एप्लीकेशन को सर्च करना है सिविल स्टाफ हिमाचल, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। वहां पर अपना ईमेल आईडी और नंबर डालकर एक आईडी क्रिएट करनी है, और आपको यहाँ पर डेमो लेक्चर्स देख लेने हैं। वहां पर सर्च करना है HPTGT डेमो लेक्चर्स, और उसके बाद आप लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं इन सभी टीचर्स के। और ये जो कोर्स है ये 16 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है और खत्म होगा 17 नवंबर 2023 को, यानी कि लगभग 3 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस रिवीजन और करवाई जाएगी, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो रहती है 1 साल, या फिर आपके एग्जामिनेशन तक रहेगी। और इस कोर्स की जो फीस है वो है 6,000 रुपीज, ये कंप्लीट कोर्स का फीस रहने वाला है 6,000 रुपीज। और जितने भी स्टूडेंट्स आपको टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उन सबके डेमो लेक्चर्स को जरूर देखें। डेमो लेक्चर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आता है, या कोई भी कंफ्यूजन आपको ज्वाइन करते वक्त आ रही है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दैट इज 8360044357, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज बैच 9 ऑफ द नॉन मेडिकल, जो कि 16 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है। फीस इसकी है 6,000 रुपीज, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 16 अगस्त से इसमें क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और ये तैयारी करने का बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट टाइम है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल आपके मन में होगा तो आप यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।